चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी सिनेमा के बदलाव की लहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे निर्माता और प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड बाय रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑनर रत्नाकर कुमार की मल्टी स्टारर भोजपुरी फिल्म जय भारत जय हिंद का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। जी हां, सोशल मीडिया पर जारी होते ही यह पूरी तरह से वायरल हो चुका है और इसे हर कोई सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाइड चैनल्स और जितेंद्र गुलाटी के बैनर तले इस फिल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं, जबकि निर्देशक की बागडोर संभालेंगे पराग पाटिल और फिल्म का लेखक का काम किया है राकेश त्रिपाठी ने। हालांकि फिल्म के पहले पोस्टर पर किसी भी हीरो को जगह नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो खबर यह आ रही है कि यह पूरी तरह से मल्टी स्टारर फिल्म होगी। इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह ऑफिशियली जानकारी नहीं है, इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया है, सिर्फ फर्स्ट लुक ही जारी किया गया है। यह फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म काफी रोचक और हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर होगी। इस फिल्म में हर वर्ग के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन रखते हुए निर्माण किया जाएगा। अब देखना यह है कि जय भारत जय हिंद का और डिटेल कब जारी किया जाता है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि फिल्म की शूटिंग का डिटेल जल्द ही अनाउंस किया जाएगा और इसमें कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे इसका बारे में भी जल्द ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए।